नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 1991 में जो बजट पेश हुआ था, कहा जाता है कि वो ऐतिहासिक बजट था। कहा जाता है देश की आर्थिक स्थिति जो डावाडोल हो रही थी, उस बजट ने उसको संभाला था और एक नया मुकाम हासिल किया था। और ये बजट पेश किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने पर शुक्रवार को एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि 1991 में जो हालात थे, उससे भी ज्यादा बुरे हालात आने वाले वक्त में सामने आ सकते हैं। ऐसे में हम सबको उस चुनौती का सामना करना होगा। ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। मनमोहन सिंह 1991 में नरसिंह राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। इस ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने पर मनमोहन सिंह ने कहा, 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3,000 अरब डॉलर की हो गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बाद उन्होंने कहा, 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उस आर्थिक संकट की वजह से हुई थी जिसने हमारे देश को घेर रखा था, लेकिन ये सिर्फ संकट प्रबंध तक सीमित नहीं था। समृद्धि की इच्छा, अपनी क्षमताओं में विश्वास और अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को छोड़ने के भरोसे की बुनियाद पर भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी हुई है। इसके बाद मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि 1991 में मैंने एक वित्त मंत्री के तौर पर विक्टर ह्यूगो, फ्रांसीसी कवि जो हुआ करते थे, उनके कथन का उल्लेख किया कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये आनंदित और मग्न होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का समय है। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है ताकि हर भारतीय के लिए स्वस्थ और गरिमाई जीवन सुनिश्चित हो सके। तो ये कहना है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जिन्हें भारत की जीडीपी को उस वक्त में संभालने का श्रेय जाता है जब वो पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।